ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, हमारे एक्सपर्ट्स क्या आपको पिक्स दे रहे हैं आज के लिए खास, तो इंट्राडे पिक्स होंगी, कुछ पोजिशनल पिक्स भी हो सकती हैं। पहले प्रशांत से समझ लेते हैं, प्रशांत आपकी क्या पिक्स होंगी, आप तो शॉर्ट साइड हैं, क्या आज सेल साइड ज्यादा दे रहे हैं आप, बैंक्स को शॉर्ट कर रहे हैं, कौन सी पिक्स हैं आपकी, या मिड कैप स्मॉल कैप से पिक्स ले रहे हैं? प्रियंका, जैसे कि मैंने कहा, मार्केट एक क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में जा चुका है और मैं अगले एक से दो महीनों में 14,700 14,600 तक के लेवल्स देख रहा हूँ। तो कोई भी रैली आएगी, मैं डेफिनेटली इसमें फ्रंट लाइनर्स में शॉर्ट ही जाना चाहूंगा। तो आज मेरे शॉर्ट कॉल्स होंगे, फर्स्ट कॉल होगा टू शॉर्ट HDFC बैंक, स्टॉप लॉस में रखूंगा 1365 के ऊपर, 1365 के ऊपर। टारगेट मेरा होगा फर्स्ट टारगेट 1275, सेकेंड टारगेट 1250। सेकेंड पिक मेरा होगा एक स्टॉक जो क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बता चुका है और बहुत वीकनेस बता चुका है, वो होगा टू शॉर्ट हेवल्स, स्टॉप लॉस में रखूंगा 1140 पे, टारगेट 1050। ये मेरा कॉल ऑफ द डे होगा। और फाइनल मेरा एक पोजिशनल सेल कॉल होगा कोटक बैंक पे, इसमें मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखूंगा 1825, टारगेट मेरा पोजिशनल होगा 1675 से 1650 का। तो यहाँ पर HDFC बैंक, कोटक बैंक, इन्हें सेल करने की सलाह, यानी लार्ज कैप बैंक्स को आप सेल कर रहे हैं, हेवल्स को आप सेल कर रहे हैं, या सेल साइड होंगे? क्षितिज, आपकी कॉल्स क्या होंगी? जी देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी दर्शाया कि हालांकि मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो रखा है, काफी ज्यादा गैप अप गैप डाउन हम लोग मार्केट में देख रहे हैं, बट एक चीज देखने वाली ये होती है कि मार्केट कभी भी गैप अप या गैप डाउन होती है उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है, और उस कंसोलिडेशन फेज में हम लोग नोटिस करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन सेक्टर वाइज जरूर होता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे प्रशांत ने दर्शाया कि हम लोग फ्रंट लाइन स्टॉक्स के अंदर जरूर सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टॉक्स है जहां पे हम लोग बाइंग इंटरेस्ट आता दिखाई दे रहा है ट्रेडर्स का। तो उसी में से एक स्टॉक जो आज लेके आया वो लॉजिस्टिक्स स्पेस में से है, स्टॉक का नाम है एजिस कैम से नाम से स्टॉक लिस्टेड एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट पैटर्न की बात करें तो फ्राइडे के सेशन में हालांकि वीकनेस थी मार्केट में काफी ज्यादा, बट स्टॉक कहीं ना कहीं अपने डेज हाई पे बंद होता दिखाई दिया। अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट की बात करें तो स्टॉक एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है और अपने डेली चार्ट के ऊपर 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिखाई दिया। तो अगर पूरा टेक्निकल सेटअप हम लोग देखें तो ये कंक्लूजन निकलता आ रहा है कि वीकनेस वीक मार्केट में भी जहां पे इतनी ज्यादा वीकनेस परसिस्ट हो रही है, एजिस कैम कैन बी अ गुड परफॉर्मर। अगर लोअर लेवल बाइंग हमें फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिलती है, जैसे कि हमने बताया 1500 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो इस लोअर लेवल बाइंग में एक मोमेंटम अगर अपसाइड का आता है तो एजिस कैम कैन बी अ गुड कंटेंडर फॉर अ लॉन्ग प्ले। तो यहां पे हम लोग बाय करने की सलाह देंगे एजिस लॉजिस्टिक्स को, एजिस कैम को। स्टॉक ने क्लोजिंग दिया लगभग 228 की, स्टॉप लॉस यहां मेंटेन करने की जरूरत है 215 के नीचे। पूरा प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हम लोग ये सलाह दे रहे हैं, और जो अपसाइड पोटेंशियल मुझे लगता है स्टॉक में देखने को मिल सकता है 248 से 249 के जोन हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो मैं स्पेस की बात कर रहा था वो था हमारा डिफेंसिव स्पेस। तो डिफेंसिव स्पेस में हम लोगों ने फ्राइडे के सेशन में काफी अच्छा बाइंग के सौदे आते दिखाई दिए, उसी में से एक स्टॉक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो अगर हम लोग HAL की टेक्निकल सेटअप की बात करें तो वीक मार्केट में भी स्टॉक अपने डेली चार्ट्स के ऊपर और वीकली चार्ट्स के ऊपर राइजिंग पैटर्न में ट्रेड होता दिखाई दे रहा है, हायर हाई हायर लो काइंड ऑफ अ पैटर्न वी कैन सी इन दिस चार्ट। तो अच्छा कंटेंडर है, यहाँ पे लॉन्ग प्ले करने की सलाह देंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 1835 के नीचे। आई विल अगेन रिपीट, दिस इज अगेन प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव कॉल, तो 1835 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। स्टॉक में जो पोटेंशियल चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 1985 से 1990 तक के जोन में। सेम स्पेस से एक और स्टॉक है जिसके अंदर हम लोगों ने फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा लास्ट आवर में बाइंग के सौदे आते दिखाई दिए, स्टॉक है BEL। हालांकि मार्केट इज डेफिनेटली सिग्नल पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ नेगेटिव ओपनिंग, बट अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव यहाँ पे हम लोग ओपनिंग देखते हैं तो BEL अगर माइनस में भी हमें कुछ कट देखने को मिलते हैं स्टॉक के अंदर, तो दैट कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग इन BEL एज वेल। तो स्टॉक ने क्लोजिंग दिया लगभग 246-247 के आसपास, वंस अगेन एक कंसोलिडेशन फेज से स्टॉक निकल रहा है, तो एक ब्रेकआउट आने के बाद हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक कैन मूव टुवर्ड्स 258-259 लेवल्स, या स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 239 लेवल्स के नीचे। तो तीन बाइंग की सलाह होंगी, लोअर लेवल बाइंग अगर मार्केट में आती है तो ये दीज थ्री स्टॉक्स can be a good contender, BEL, HAL and Aegis Chem or Aegis Logistics. क्लियरली चैलेंजिंग मार्केट्स में भी क्षितिज की तरफ से बाय कॉल्स आते हुए लॉजिस्टिक्स स्पेस, एजिस लॉजिस्टिक्स, HAL और साथ ही BEL पर फोकस किया जाएगा। लेकिन मिलन, चलिए आपके स्टॉक्स कौन से हैं वो भी आप बताएं। जी जैसे मैंने पहले बताया था कि मार्केट्स वैसे भी वीक है, लेकिन कोई सीरियस डाउनसाइड रिस्क मार्केट में तभी होगा जब निफ्टी 15,700 के नीचे जाता है, और जब तक ये लेवल्स के नीचे नहीं जाता है देन वी माइट फाइंड सम वेरी स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट एंड एंट्री इन द स्टॉक। तो आज जो है मेरे तीनों के तीनों बाय कॉल्स हैं जो कि बेसिकली दे आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ, जिनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी है ऐसे वीक मार्केट्स में। तो द फर्स्ट स्टॉक इज आरुति,
मारुति अगर देखते हैं तो उसका एक मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट्स है 7950 के आसपास, तो हम उनको 7950 के अगर ऊपर जाता है तो हम ले सकते हैं, क्योंकि ऑटो इंडेक्स जो है वो अगर हम ब्रॉडर निफ्टी 500 के साथ अगर बेंचमार्क करते हैं तो ये वो वैसे भी लीडिंग क्वाड्रेंट में है ऑन ऑन रिलेटिव रोटेशन ग्राफ, एंड मारुति भी रिलेटिव रोटेशन ग्राफ के लीडिंग क्वाड्रेंट में है, तो ये है कि वो ब्रॉडर मार्केट के सामने रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और एक डेली चार्ट्स पे देखें और वीकली चार्ट्स पे भी देखें तो एक एक बुलिश एसेंडिंग ट्रायंगल बना रखा है और अपने तीनों के तीनों डेली मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, सो वी कैन बाय मारुति अबव 7950 एंड वी कैन कीप द टारगेट ऑफ 8225 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 7850। ऑलराइट, तो क्लियरली ये स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आते हुए मिलन की तरफ से दिख रहा है, लेकिन हमारे साथ कुश बोरा भी जुड़ गए हैं। कुश, गुड मॉर्निंग। और मार्केट्स के अगर हाल देखें, पिछला हफ्ता जितना चैलेंजिंग था, इस हफ्ते की शुरुआत भी चैलेंजेस के साथ होती दिखी है। निफ्टी 16200 को बचाए रखने की कोशिश लगातार कर रहा है, लेकिन अब आज जो सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, 15900 से 16100 के सपोर्ट भी यहां पर नज़र आ रहे हैं, कितनी डाउनसाइड यहां एक्सपेक्टेड है? इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो 34500 के नीचे ही ट्रेड करता, शुक्रवार को भी देखा था हमने। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपको सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को अ वेरी गुड मॉर्निंग, ऑल दो यू नो एसजीएक्स निफ्टी वोंट अग्री विथ मी, लेकिन अगर इसको एक लाइट नोट पे एक अलग तरीके से देखें तो देखिए सेल लग गई है, यू नो इट्स अबाउट टाइम दैट यू नो यू स्टार्ट पिकिंग वट एवर यू वॉन्ट टू। मैं ये नहीं कह रहा कि डाउनसाइड थम गया है या खत्म हो गया है और हम यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे, बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो जरा सा अपना नजरिया चेंज करिए, यू विल प्रोबेबली फाइंड दिस not as damaging as you know you would if you are a trader. देखिए पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे 15,800 और 16,000 के रेंज, 16,800 के रेंज की है, यू नो रेंज 1,000 पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गई है और हम उसी रेंज के लोअर एंड के पास हैं, विच इज सजेस्टिंग कि शायद एक टेक्निकल बाउंस मार्केट्स में आ सकता है अगर हम चार्ट्स पे देखें और अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें। इनफैक्ट 16,000 के पुट पे काफी अच्छा यू नो बेस बना हुआ है, सो देर इज अ वेरी गुड चांस कि हम यहाँ से यू नो बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इतना यू नो मार्केट नेगेटिव ओपन हो रहा है। मैं चाहूंगा कि हम जरा सा यू नो 15 मिनट आधे घंटे का एक व्यू रखें मार्केट्स में, देखें कि फॉलो थ्रू सेलिंग आ रही है या हम एक बाउंस कर रहे हैं, बट यू नो गन टू माई हेड मैं रादर यू नो इस बाउंस बाय करना चाहूंगा प्योरली ऑन यू नो अ ट्रेडिंग बेसिस, इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन जस्ट वेट एंड वॉच फॉर इनिशियल 20 मिनट्स एंड सी हाउ द मार्केट्स आर रिएक्टिंग। निफ्टी पे 15,800 जो हम बात कर रहे हैं वो एज अ सपोर्ट यू नो लेवल एक्ट करेगा, 16,300 के जो लेवल्स हैं वो एज रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे। बैंक निफ्टी पे 33,300 ये एक लेवल है जो एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है, अगेन बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव डेटा, एंड 34,700 जो फ्राइडे का हाई बना था ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा। द बैंक निफ्टी हैज टू सरपास दिस लेवल फॉर यू नो टेकिंग अ न्यू डायरेक्शन और एक नया अपमूव जो है उसे कंटिन्यू रखने के लिए। राइट, आइए चलते हैं आगे और मोहित को भी इन्वॉल्व करते हैं अपने बातचीत में। हिम सिक्योरिटीज से आज हमारे नए गेस्ट जुड़ रहे हैं। मोहित, गुड मॉर्निंग। मोहित, एक पॉजिटिव न्यूज से आपसे मैं बातचीत अपनी शुरू करना चाहूंगा। जो आईआईपी डेटा आया है वो भी 7 महीने के हाई पे आया है, ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग किक ऑफ हो रही है। और आज सुबह मैंने एक खबर देखी एमएनएम की, 10 साल में पहली बार वो अपना नया ट्रैक्टर प्लांट लगा रहे हैं मोहाली में, तो इतना नेगेटिव भी नहीं है सब कुछ। अगर हम देखें ग्लोबल मैक्रो चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन माइक्रो जो है हमारे देश के वो काफी स्टेबल और ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आप जो बोल रहे हो उससे बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ। हम लोगों का इंडिया के डायनेमिक्स हम अगर समझें तो यहाँ पे चीजें पिछले 2-3 साल से काफी तेज स्पीड से बदली है और एक मार्केट में हमने आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स देखे हैं। अगर हम बाकी देशों से अपनी तुलना करें, बोथ डेवलप्ड एंड इमर्जिंग कंट्रीज के मार्केट से बेटर डायनेमिक्स इस वक्त मुझे इंडिया में लगते हैं। हाँ, काफी ज्यादा हेडविंड्स हैं, बट वो हेडविंड्स जैसा आपने कहा मैक्रो लेवल की है, वो हर देश प्रभावित है उस हेडविंड से, भले ही वो राइज इन इन्फ्लेशन हो जो कि एक स्टिकी सा इन्फ्लेशन एक बन गया है, इंटरेस्ट रेट डायनेमिक्स चेंज होते हुए, क्वांटिटेटिव ईजिंग खत्म होते हुए देख रहे हैं हम लोग। बट अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें, बहुत ज्यादा पॉजिटिव खबरें भी है यहाँ पे। जिस तरह से सरकार का भी फोकस रहा है पीएलआई पे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे, 100,000 करोड़ का हमने गतिशक्ति योजना देखा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को पुश करते हुए देखा। आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, मार्जिन्स डेफिनेटली डेंटेड हैं, बट वो मार्जिन्स आई थिंक एक मैक्रो लेवल की वजह से डेंटेड है, ना कि कंपनी और इंडिया स्पेसिफिक की वजह से। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी रहेगा इस पूरे मार्केट में और इस पूरे साल में विशेषकर,
वो ये है कि हम अपना स्टॉक सिलेक्शन, एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन, इन तीन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करें, और यही तीन चीजें अगर हम डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट करते चले सीइंग द वैल्यूएशंस, तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से कम भी नहीं तो अगले 5 से 10 साल इंडिया का मार्केट काफी आउट परफॉर्मिंग रहने वाला है और बहुत अच्छा रहने वाला है। मोहित, ऐसे समय में ऐसी बुलिश इनकरेजिंग टॉक्स ऑफ कोर्स मच नीडेड है। एक और स्पेस पर और इनफैक्ट कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पे भी आपकी व्यू जानना चाहेंगे। जिस तरह से हमने देखा सिमंस की एनालिस्ट मीट हुई, उन्होंने क्लियरली कहा कि पीएसयू हो, प्राइवेट सेक्टर हो, वहां से उन्हें अच्छे ऑर्डर्स मिलने की बात हो रही है। किसी तरह के बिजनेस में धीमापन की बात उन्होंने देखने की, और आप भी जैसे कह रहे हैं यहाँ पे स्टॉक पिकिंग करनी होगी, तो अगर सेक्टर पिकिंग की जाए और यहाँ से आप जब बुलिश व्यू रखते हैं मार्केट्स के लिए, ऑफकोर्स लॉन्ग रन में एक बुलिश व्यू इंडियन मार्केट्स के लिए है भी, तो आप से सेक्टर्स को प्रेफर करेंगे? सबसे ज्यादा फोकस मैं करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर या डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स पे, जो कि हमारे देश में एक 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 तरह से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, हाईवेज क्रिएट हो रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उनमें जो मटेरियल सप्लायर्स हैं या जो उनको जिनके प्रोजेक्ट्स उनको मिल रहे हैं, आई थिंक उन पे सबसे नंबर वन मेरी बुलिशनेस रहेगी, क्योंकि एक्चुअल में काफी ज्यादा अच्छा काम हो रहा है इन स्पेयर्स में। सेकेंड में रखूंगा फोकस केमिकल कंपनीज को, जिनको चाइना प्लस वन का बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिल रहा है। थर्ड में अभी भी आईटी पे बुलिश हूं, बट आईटी में हमें ये सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज ने एक्चुअल में रेवेन्यू एक्सपेंशन दिया है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दी है, जिन्होंने फ्यूचर आउटलुक और गाइडेंस स्ट्रांग रखा है, और जिनके वैल्यूएशन पैलेटेबल है, जिनके वैल्यूएशन एस्ट्रोनॉमिकल नहीं है, उनके कैश फ्लोज स्ट्रांग है। तो ये तीन सेक्टर्स पे अभी भी, और एक BFSI जो कि पिछले 2.5 साल से बिल्कुल अंडर परफॉर्मर रहा है, उन्होंने भी जिस तरीके से अपनी बैलेंस शीट को सुधारा है, NNPS को, GNPS को ठीक करा है, कैपिटल एडिक्वेसी सुप्रीम रखी है, जिस तरह से बुक्स इंप्रूव करी है, आई थिंक वो भी एक सेक्टर है जो वापस से लाइमलाइट में इन नियर फ्यूचर आना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात